कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने जो भी, जैसे सविता भाभी है, जो कुछ भी करती थी अचानक से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता था। Because it was too much of bold image. Everybody was offering me कि बिकनी पहन के आप सॉन्ग कर लो, और सो मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ माई इमेज विच वॉज क्रिएटेड बाई मी इट्सेल्फ। कोई रिग्रेट आपको हुआ कभी इस तरह से जो आपने खुद की इमेज क्रिएट की उसके लिए? जो चला गया उसको क्या याद करना, सिंपल है। इट वॉज नॉट ईजी। 3-4 months बहुत डिफिकल्ट गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे कैंसर है। तो ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, जिससे मुझ पर बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया गया। अच्छा। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी अभी आ रहे हैं। आई डोंट टू क्राई, पर ऐसा होता है कि कई बार डॉक्टर्स एंड ऑल सब थोड़े नीचे आ जाते हैं, सबको लगता है नहीं अब नहीं, शायद सरवाइव नहीं करेगी। रोजलीन खान एक ऐसा नाम जो एक टाइम पर सबकी जुबान पे था। मूवीज थी, बहुत सारी चीजें थी जो रोजलीन की लाइफ में थी, लेकिन थोड़े दिन बाद रोजलीन डिसअपियर सी हो गई। और आज हमारे साथ बैठी हुई हैं जो बहुत सारी बातें करेंगी और बताएंगी कि आखिर क्या रीजंस थे जो इंडस्ट्री से दूर चली गई और अब इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी थे जो आपको पता होंगे, बट आज रोजलीन इन सब बारे में डिटेल में बात करने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसी लग रही हूँ बिल्कुल वैसी हूँ इस वक्त। तो रोजलीन, जैसा कि मैंने स्टार्ट भी किया कि एक वक्त था जब रोजलीन का नाम हर एक जुबान पे था, प्रोजेक्ट्स थे, लोग बात करते थे, कुछ ऐसा आप करने वाली थी जो अब तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन अचानक से इंडस्ट्री से आप चली गई, क्या रीजंस थे? एक्चुअली उस वक्त कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने जो भी, जैसे सविता भाभी है या पीटा का कैंपेन किया था, जो कुछ भी करती थी अचानक से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता था। और बेसिकली मेरा एक एम था एज एन एक्टर इंडस्ट्री में कदम रखने का, जो हो नहीं पा रहा था। तो आई थॉट कि एक ब्रेक लेते हैं सो दैट आई कैन चेंज माय इमेज, बिकॉज इट वाज टू मच ऑफ बोल्ड इमेज। एवरीबडी वाज ऑफरिंग मी कि बिकनी पहन के आप सॉन्ग कर लो और इस तरह से ये शूट करते हैं। सो एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये सिर्फ बोल्ड करेगी। सो मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ माय इमेज विच वाज क्रिएटेड बाय मी इट्सेल्फ। सो एक ब्रेक लिया, उस ब्रेक के बाद ही मैं कुछ थिएटर करने लगी और उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड में तो हम सब घर बैठ गए थे, किसी के पास काम नहीं था जी। सो उस दौरान ये इन्फ्लुएंसेस अचानक से बाहर आए, तो मुझे लगा कि सी अब मेरे पास काम तो कुछ है नहीं, एज एन एक्टर भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहा था। सो आई स्टार्टेड एज इन्फ्लुएंसर। और अभी इस वक्त 2019 से अब तक मैं काफ़ी ब्रांड्स कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं मूवीज़ के भी प्रमोशंस करती हूँ एंड आई चार्ज द अमाउंट विच आई वॉन्ट टू चार्ज। और मुझे जिसके साथ काम करना है वो मेरी चॉइस है। अगर मुझे किसी ब्रांड के साथ काम नहीं करना है तो आई कैन ऑलवेज से नो, और आई शूट फ्रॉम माय होम। तो एक लिबर्टी है, एक ऐसा है कि मुझे कहीं जाकर ऑडिशन नहीं देना है, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पीछे नहीं भागना है मुझे। सो रोजलीन, जैसा कि आपने खुद मेंशन किया कि द इमेज वॉज क्रिएटेड बाई मी, ये क्या रीज़न था? इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी थी भी, तो ये इमेज क्रिएट करने के पीछे कुछ खास रीज़न थे? एक्चुअली जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हो तो लोग आपको जानते नहीं और आपको काम नहीं मिलता है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ 2-3 PR मिल गए एंड दे सेड कि वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट इमेज एंड वी विल मेक श्योर कि तुम हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छपोगी। सो मुझे एकदम से एक कॉमन सी लड़की जो स्ट्रगल कर रही है, तो उसे लगता है कि ऑब्वियसली किसी को भी पब्लिसिटी अच्छी लगती है। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना एक ट्राई किया जाए। और इनफैक्ट मैंने कुछ 2-3 शूट्स किए, कुछ कैंपेन्स किए, तो वो सडनली वायरल होना स्टार्ट हुआ। सो आई थॉट कि ये तो बहुत ईजी वे है इंडस्ट्री में टैप करने का, पर वो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब आप शॉर्टकट ढूंढते हो तो उसके
ऐसी चीज़ें भी होती जो आपके लिए ठीक नहीं होती. सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि तो कॉन्ट्रोवर्सी करती है, तो बोल्ड कपड़े पहनती, और ये एक बोल्ड इमेज मेरी अपने आप बनती चली गई. तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मुझे रोल्स भी उसी टाइप के मिलने लगे. तो एक लिमिट होता है एक्सपोज करने का. आप किसी भी कपड़े, किसी भी इंसान को कम कपड़ों में कितनी बार देखना पसंद करोगे? एट द एंड ऑफ द डे ये इंडस्ट्री एक्टिंग से चलती है, तो अगर आप एक्टर अच्छे हो तो आप सर्वाइव कर लोगे. सो मुझे लगा कि अब बहुत हो चुका, अब ब्रेक लेना पड़ेगा, इससे ये बहुत ज़्यादा हो गया. सो मैंने ब्रेक लिया. देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. तो थिएटर करने के बाद मुझे सीरियसनेस पता चली कि इस इंडस्ट्री में आप अगर सीरियसली अच्छे एक्टर हो तो आप 80 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, आपको काम मिलना है और अच्छा काम मिलना है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. सो डूइंग कॉन्ट्रोवर्सी एंड जस्ट बीइंग इन द न्यूज़पेपर कैन गिव यू लाइमलाइट फॉर फ्यू डेज, पर उससे ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं लॉन्ग रन में. इट्स ओन साइड इफेक्ट्स. सो इसलिए मैं वहाँ से भाग गई. अच्छा, आई चेंज माई वे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो कभी कास्टिंग काउच का भी ऐसा शिकार होना पड़ा उसकी वजह से? कास्टिंग काउच का शिकार डायरेक्टली यह इंडस्ट्री में आपको, अगर आप किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलते हो तो डायरेक्ट आपसे कोई इस तरह का कोई फेवर नहीं मांगता. वो आपको घुमाते रहते हैं, इनडायरेक्टली आपसे बात करते हैं. तो एक टाइम के बाद आपको समझ आ जाता है कि इनका कुछ और भी इंटेंशन है. और अगर जो स्मार्ट लड़की होगी उसे ये सब में नहीं पढ़ना है, तो वो अपने आप चली जाएगी उस ऑफिस से या उन लोगों के से दूर हो जाएगी. और जिनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है वो करती भी होंगी. तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंडस्ट्री, हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है. ये कॉम्प्रोमाइज और ये कास्टिंग काउच ये सब हर इंडस्ट्री में है. लेकिन ये क्योंकि हम न्यूज़ में रहते हैं तो हमारा ज़रा ज़्यादा लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ तो कास्टिंग काउच भी होता है. बट इट्स योर ओन चॉइस, नो बडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा. तो अगर लड़कियाँ उस तरह का करती हैं तो इट्स देयर ओन चॉइस. इट्स समथिंग लाइक यू नो, आप बोल्ड कैरेक्टर, आपकी पिक्चर्स वगैरह जिस तरह से आप पोस्ट करती थी, जिस तरह से आप जानी जाती थी, तो यू नो आपने जैसा मेंशन किया आपको आपको रोल भी वैसे ही ऑफर होते थे. तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के दिमाग में ये भी इमेज थी. आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हाँ, शी विल बी ओपन फॉर एवरीथिंग. हाँ, वो तो देखो सबको ऐसा ही लगता है ना कि इंडिया में तो ऐसा होता है कि लड़की थोड़े छोटे कपड़े पहन लेती है तो वो फ्रीली अवेलेबल है, तो वो सबकी एक थॉट आ जाती है. तो इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि ओपन माइंडेड है, थोड़ा हो सकता है ट्राई करने में क्या जाता है. सो हो सकता है ऐसा लोग सोचते होंगे, पर आई वॉज श्योर कि मुझे कहाँ तक करना है, कहाँ आगे नहीं जाना है. तो हर एक की एक लिमिटेशंस होती है. तो मुझे अपनी लिमिट्स पता थी कि यहाँ मेरा काम नहीं बनने वाला है. अगर मुझे इसके थ्रू ही जाना है तो मेरा काम नहीं होगा. फिर मैं अपना वहाँ से अपने आप को कट ऑफ कर लेती थी कि यहाँ मेरा काम नहीं होगा. जी, दिस इज व्हाट वी हर्ड अबाउट लाइक सविता भाभी मूवी एंड एवरीथिंग. प्लीज टेल मी अबाउट दैट. क्या हुआ इन सबके साथ और कहाँ रुक गई सारी कहानी? सविता भाभी जब क्योंकि मेरी इमेज ऐसी थी तो जो सविता भाभी के एक्चुअल क्रिएटर थे उन्होंने मुझे मेल किया कि तुम इस तरह का कुछ हमारे साथ करना चाहती हो क्या. सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड कि देखें. तो मैंने खुद सर्च किया, मैंने देखा ये सविता भाभी क्या है. सो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बोल्ड चीज़ें थी, आज भी हैं. तो दे स्टार्टेड अ सीरीज़, वो कार्टून की उन्होंने एक स्टोरी बनाई एंड देन दे टुक माई वॉइस ऑल्सो और उसकी एक दो सीरीज़ रिलीज भी हुई. बट उसकी वो ख़त्म, वो एक फेज था, वो ख़त्म होते होते तक, मतलब जब तक वो रिलीज हुआ, जब तक वो चीज़ें बाहर आई जी, तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया. ओके. सो फिर वो वहीं स्टॉप हो गया. फिर रामू जी भी कोई ऐसे खास सीरियस दिखे नहीं थे मुझे जी, तो फिर वो चीज़ें वहीं स्टॉप हो गई और मैंने फॉलोअप भी नहीं किया उसके लिए. ओके. कोई रिग्रेट आपको हुआ कभी इस तरह से जो आपने खुद की इमेज क्रिएट की उसके लिए? जो चला गया उसको क्या याद करना, सिंपल है. मैं उसको अनडू नहीं कर सकती, मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती, दैट वाज माय पास्ट. पर ऐसी
उस तरह की गलती मैं फ्यूचर में नहीं करना चाहती. अगर अनलेस एंड अनटिल मुझे अगर कोई अच्छा काम मिलता है, कोई अच्छा रोल मिलता है उसकी और उसकी डिमांड है, जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स भी देखते हैं आजकल, तो वहाँ पर काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, बट these characters are part of that story. Correct. Then you can do it. But जो मैंने किया था उसके लिए रिग्रेट तो ऑब्वियसली है. मुझे लगता है कि शायद मुझे उस तरह से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था. अगर एक चांस मिलता है तो मैं फिर से थिएटर और ये जो आज जो मैं कर रही हूँ, एक सीरियसली जो मैं अपने करियर को लेती हूँ, तो मैं ऐसे स्टार्ट करती, ना कि वो बिकिनी शूट एंड वो कॉन्ट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग. वो उससे मैं खुद ऊब चुकी हूँ अब. पर आपको लगता है अब आपकी इमेज चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली? मुझे लगता है ऐसा. क्योंकि अब अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगी तो मेरी फॉलोअर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए. अगर मैं एक फोटो डालती हूँ थोड़ा सा रिवीलिंग, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा लाइक मिलते हैं. और एक वही साड़ी में फ़ोटो डालती हूँ तो उसको कम लाइक मिलते हैं. तो पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा मेरे पेज से, तो मुझे पता चल जाता है. बट आई नो कि यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी जगह बना लूँगी. बट इट्स अ ग्रेट थिंग है. मतलब आपने सब कुछ, आपने खुद ही मेंशन किया कि किस तरह से लाइक्स और डिमांड, जो आपको पता है कि क्या चाहिए, स्टिल यू टुक अ डिसीजन और आपने सारी चीज़ें छोड़ दी. इट्स अ बिग थिंग. हाँ सी, अगर मुझे फिर से अगर फ्रंट पेज न्यूज़ चाहिए, मैं कल जाके कुछ बाथटब में बैठ के कुछ शूट कर लेती हूँ तो न्यूज़ बन जाती है. जैसे कि आजकल लड़कियाँ कर रही हैं बहुत सी, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट देर आर गर्ल्स, दे आर जस्ट नोन फॉर देयर न्यूडिटी, फॉर देयर फॉर वेयरिंग वेरी स्मॉल और शॉर्ट क्लोथ्स इन द मीडिया हो या पब्लिकली हो. तो देर आर फ्यू गर्ल्स, दे आर डूइंग इट एंड दे आर नोन फॉर दैट ओनली. मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई जाने तो अब मुझे एक्टिंग के लिए जाने. सो अब ये डिफ़िकल्ट रास्ता है, दिस इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट दैन वॉट वी यूज आई यूज़ टू डू. सो उससे ये बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता मैंने अभी इस वक्त चुना है. सो बट मुझे मज़ा आ रहा है. ये अच्छी चीज़ है कि आपको मज़ा आ रहा है और आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जो कर रही हो सही है. हाँ. और डिफ़िकल्ट रास्ता आपने बताया, लेकिन हमको ये भी पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरी हुई हैं हाल ही में. ब्रेस्ट कैंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अ मेटास्टेटिक कैंसर व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेस्ट, इट वेंट टू माय लिम्फ नोड एंड देन इट वेंट टू स्पाइन. ओह. सो मुझे उस वक्त पता चला जब मैं स्टेज फोर पे थी एंड क्योंकि मैं मॉडलिंग और ये सब करते करते इसी बीच मैंने, मेरा एक इंटरेस्ट आया फिटनेस के लिए, तो आई स्टार्टेड डूइंग कैलिस्थेनिक्स. तो मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे, अब फिटनेस मेरी बहुत अच्छी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब मुझे कैंसर आया और कब मैं स्टेज फोर पे गई. इनफैक्ट मैंने 2.5 घंटे एक्सरसाइज की थी 8 नवंबर लास्ट ईयर और 6 नवंबर और 7 नवंबर को मेरी रिपोर्ट मेरे सामने थी कि मुझे कैंसर है, वो भी स्टेज फोर. सो आई वाज सरप्राइज. इनफैक्ट मेरे डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि तुमको कैंसर हो सकता है क्या. मतलब एक इंसान जो इतना हेल्दी दिख रहा है, जो दो दो ढाई ढाई घंटे जिम कर रहा है, उसे कैंसर कैसे हो सकता है. सो बट फिर और मल्टीपल टेस्ट हुए, देन फाइनल रिपोर्ट आई कि यस इट वाज ठीक है. मैंने कहा इट वाज नॉट इजी. 3-4 मंथ्स बहुत डिफ़िकल्ट गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे कैंसर है. और फिर जैसे कि मैं हमेशा से फाइटर रही हूँ, मैं नहीं डरती. अब अगर आज मुझे कोई बोलता है, बिकॉज आई एम 99% कैंसर फ्री, सो अगर आज मुझे कोई कहता है कि कैंसर इज अ बिग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, तो मुझे लगता है नहीं, अगर इसका सही वक्त पे इलाज किया जाए तो यू कैन सर्वाइव, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, जैसे कि मैं अभी आज. बट ऑफ कोर्स अगर आप स्टेज फोर पे जाते हो और उस वक्त स्टेज फोर पे जाने के बाद अगर आपको डायग्नोस करते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे मुझ पे बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया गया. अच्छा. तो उसके साइड इफेक्ट्स भी अभी आ रहे हैं. अच्छा. जैसे मैंने वेट पुट ऑन कर लिया, आई डोंट वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, तो अब मुझे टाइम लगेगा. आई हैव टू गिव माई सेल्फ सम मोर टाइम टू गो बैक टू माई एक्चुअल
body and actual real shape. The chemo and all must be very difficult. Yeah, they have done 16 chemo. 16. हाँ और एक major surgery हुई. It went up to 10 hours. मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना difficult होता है. और मगर 10 घंटे बाद जब आँख खुली तो पता नहीं चला. Because doctor was very nice. He was giving me all sedation दे रहे थे. 3 दिन तक मुझे ऐसे रखा कि so that अगर मैं आँख खोलती भी हूँ तो I don't start shouting and all. तो it was painful. पर वो भी एक phase था. अब उस वक्त जब मैं उस painful time से गुजर रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी. लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये phase भी मैंने निकाल दिया. मैं तो I'm fine now. So जिंदगी हमें हर दिन एक नई चीज सिखाती है. जैसे कोविड में भी हमने देखा तो हम used to हो गए थे. उसके बाद से मैं थोड़ी used to हो गई थी कि नहीं लाइफ में अगर कुछ होता है तो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ. सो कैंसर के बाद मुझे लगा कि नहीं आई हैव टू एडजस्ट एनी हाउ. ये जिंदगी है, एडजस्टमेंट तो चलेंगे. जब तक लाइफ चलती है तब तक एडजस्टमेंट चलते हैं. सो एक ये भी रीज़न है कि मैं बाहर जाके अब काम नहीं करती. बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड क्राउड. ओके. क्योंकि पिछले एक साल से जब मेरा एक साल तक कीमो हुआ उसके बाद भी मैंने काम किया. बिकॉज आई नीडेड अ लॉट ऑफ मनी. डूइंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इज नॉट ईजी. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. जी. और मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए. सही बात. यस ऑफ कोर्स. पर वो एक फेज निकल गया. अब मैं ठीक हूँ तो I'm feeling so good कि चलो ये भी हो गया. I think बालों को भी शेव करना पड़ा होगा. The difficult time. I was crying like anything. But जब मैं सलून में गई because मेरी दो कीमो के बाद मेरी बाल ऐसे टच करती थी तो पूरे नीचे गिर जाते थे. So doctor was saying कि you have to shave क्योंकि अननेसेसरी मैसी होगा. और तुम रोज हेयर फॉल देखोगी तो और डिप्रेस होगी. तो घर पे रोली. आई क्राइड अ लॉट एंड देन आई वेंट टू अ सलून. ओके. सलून पे गई मैं और मैंने एक वहाँ पे एक लड़का था. मैंने उसे कहा कि प्लीज आप शेव कर दो पूरे बाल. बट वहाँ मैंने आई वॉज सो स्ट्रांग कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी. और वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर. बिल्कुल. Who was the biggest support during this time? It was my family. और family से भी सबसे ज़्यादा important अपने आपका अंदर से अपनी जो शक्ति होती है इंसान की जीने की, जिंदगी के साथ लड़ने की, तो वो मेरी कभी डाउन नहीं हुई. मतलब I don't want to cry. पर ऐसा होता है कि कई बार डॉक्टर्स एंड ऑल सब थोड़े नीचे आ जाते हैं. सबको लगता है नहीं अब नहीं, शायद सरवाइव नहीं करेगी. यस. पर जैसे हम एक मिनट कैंसर की जो जर्नी होती है इसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं. कई बार ट्रीटमेंट आपको आपकी बॉडी को बहुत नीचे डाउन कर देता है. आपका प्लेटलेट डाउन है, WBC डाउन है, यू कांट वॉक, यू आर एट होम, यू आर सिटिंग लाइक अ वेजिटेबल इन द फ्रिज. जिसको सिर्फ रेस्ट करना है, जिसको सिर्फ ये करना है. सो अ पर्सन लाइक मी हु वॉज क्वाइट एक्टिव और जो जिमनास्टिक कर रही थी उस वक्त जब मुझे ये कैंसर डायग्नोस हुआ. सो सडनली एक बंदी जो 2.5-3 घंटे जिम करती है, बाकी सब काम करती है, वो सडनली बेड रेस्ट पे आ जाती है. सो ये जो फेज होता है इसमें अपने आप को एडजस्टमेंट जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. मैंने किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट किया और फिर बाल थोड़े छोटे हो गए तो कपड़े पहनने की स्टाइल यू हैव टू चेंज. How to wear clothes which are looking nice with those chemo caps. So slowly, I think 3-4 months were very bad.
आफ्टर दिस कैंसर थिंग, फिर धीरे धीरे एडजस्ट हुई, फिर हेल्थ वाइज भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो फिर कॉन्फिडेंस और बिल्ट हुआ कि नहीं बस अब तो किसी तरह से इसको हराना है, इससे निकलना है मुझे बाहर. और वो फाइनली वन ईयर, इट्स जस्ट वन ईयर नाउ, डॉक्टर सेड कि यू आर 99% कैंसर फ्री, बट आई एम एट रिमिशन बिकॉज आई कांट से कि आई एम कम्प्लीटली कैंसर फ्री, क्योंकि स्टेज फोर वाले कभी भी, जिनको मेटास्टेटिक होता है, वो कभी भी लाइफ में कैंसर फ्री नहीं होते. उनकी लाइफ में रिकरेंस का चांसेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जैसे मेरे में है. बट आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस, मुझे अच्छी कम्फर्टेबल लाइफ एंड प्रॉपर फूड डाइट एंड स्लोली आई मे गो टू जिम ऑल्सो. फिलहाल तो मैं जिम नहीं जाती हूँ, योगा या थोड़ा बहुत स्ट्रेच करती हूँ. सो दिस इज माई लाइफ नाउ. बट द बेस्ट पार्ट इज योर 99% फ्री, एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज योर ऑफ योर विल पावर. हाँ, क्योंकि हाफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो, अगर आपने आप होपलेस हो, तो एक नेगेटिव सिग्नल आपकी बॉडी में जा रहा है. बिल्कुल. तो वो आपकी हेल्थ के लिए खराब है उस वक्त व्हेन यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू कैंसर. सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव व्हेन यू हैव कैंसर, एंड यू हैव टू बी होपफुल कि एक दिन निकलेंगे इसमें से. एंड ऐसा क्यों होता है कि हर बार एक एक्टर ही कैंसर को बीट करके बाहर आता है, क्यों एक आम आदमी नहीं आता? इसके पीछे एक रीजन है कि वो लोग, जो आम आदमी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है और वो होप्स छोड़ता है, और हम लोग हमेशा से स्ट्रगल करते हैं. मतलब डे वन से, जब अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखोगी, तो मैं जब इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही थी उस वक्त भी स्ट्रगल, फिर कोविड वाला स्ट्रगल, दो तीन कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी हुई मेरी लाइफ में, उस बीच भी बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, उसको भी मैंने किसी तरह से हरा के मैं फिर आ गई. तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल करने की आदत हो गई थी, तो मुझे लगा ठीक है ये भी एक स्ट्रगल था, बट इट वाज नॉट इजी. द बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ वाज दिस कैंसर, वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल. एंड आई होप कि लोगों को होपफुल रहना चाहिए. जब तक आप पॉजिटिव सोचोगे नहीं, तब तक कुछ होता कुछ, नहीं है. हाँ, आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है जब आपका विल पावर स्ट्रांग होता है, एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता. के बिना तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता. सो ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस एंड विल पावर. बट नाउ यू आर फ्री 99%, एंड लेट्स टॉक अबाउट योर करंट वर्क. आपने जैसा मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आप कोविड में आपने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत सारी नई चीजें आपने इनोवेट की, इन्फ्लुएंसिंग स्पेशली, और हम भी आपके इंस्टा पे देखते ही हैं. सो प्लीज टेल मी हाउ इज गोइंग. ये जो इन्फ्लुएंसेस की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है जी. यहाँ पर आपको काम सामने से आता है, यू डोंट हैव टू चेज पीपल. जैसे एक्टर्स को बहुत चेज करना पड़ता है कि यहाँ काम मिल जाए, वहाँ काम मिल जाए. बट इन्फ्लुएंसेस जैसे मुझे मोस्टली ईमेल आते हैं, एंड आई हैव टू चूज के इफ दे आर पेइंग दिस मच ऑफ अमाउंट, if I'm comfortable doing it, then I do it. Otherwise, I say कि नहीं मुझे नहीं करना है. They have more choices, and even I have more choices to work with. मुझे I think मैंने काफ़ी अच्छे brands किए हैं इस बीच, और क्योंकि ये brands मैंने इसलिए भी किए क्योंकि मैं controversial नहीं हूँ आज की date में. आप अगर थ्रू आउट देखोगे तो इंडस्ट्री में भी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ में कोई भी ब्रांड काम नहीं करता है. आई डोंट टू टेक नेम्स, पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो जिनकी रोज़ कंट्रोवर्सी होती है, तो उनका उनकी प्रोफाइल में एक भी ब्रांड नहीं है. सो आई एम हैप्पी कि आज मैं कंट्रोवर्शियल नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास ब्रांड्स आते हैं. दैट्स द रीज़न आई एम वर्किंग फॉर द बिग बिग बैनर्स. आई मीन सो इट्स अ गुड थिंग. मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं एटलीस्ट आई एम डूइंग ऑल गुड ब्रांडेड थिंग्स एंड आई एम वर्किंग विद गुड पीपल. दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस. तो टारगेट अचीव, जो आपने इमेज चेंज करने की बात कही थी स्टार्टिंग में, इस सबसे आई मीन आई कैन फील इट कि यस यू आर ऑन राइट पाथ, व्हाट यू वांटेड. अभी थोड़ा सा ये है कि
वो रोल नहीं मिल रहे हैं अभी, मुझे वहाँ स्ट्रगल है. पर राइट नाउ आई डोंट वांट टू डू एनी स्ट्रगल बिकॉज ऑफ माय हेल्थ रीजंस. सो आई विल टेक अ ब्रेक. आई विल स्टिल बी ऑन द सेम पाथ फॉर वन ईयर. देन आफ्टर दैट व्हेन आई विल बी कंप्लीटली फाइन, आई विल नो कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, देन आई विल स्टार्ट going for auditions and everything. तो वो फिर से वो स्ट्रगल शुरू करेंगे. वो भी जल्द आएगा. वो भी आ जाएगा. जल्द आएगा. बिकॉज आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं तो 100% मेहनत का फल मीठा होता है बोलते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये होता भी है. वो फल तक पहुंचना पड़ेगा हमें. पहुंचना पड़ेगा, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़े, मिलता है जो स्ट्रगल करता है उसको मिलता है. हाँ, यस. एक चीज कॉन्ट्रोवर्सियल, मतलब हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे ऑफकोर्स बिकॉज आप अब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, बट एक चीज जो मैंने सुनी थी राखी सावंत से रिलेटेड, सो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? कुछ कपड़ों को लेकर था. सो मैंने जितना सुना है वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट वाज द केस और क्या था सारी चीजें जो राखी के साथ था. ये जो मेरा जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था उसी बीच ये एक थोड़ा सा गंदा एक्सपीरियंस हुआ था मेरी लाइफ का, जो मुझे याद रहेगा कि लोग ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं. अच्छा. सो इट वाज अ टाइम व्हेन राखी वाज हैविंग बिग फाइट विद हर फ्रेंड्स लाइक शर्लिन एंड ऑल, और आदिल से उसका कुछ चल रहा था विच हैज टर्न्ड आउट टू बी अ लीगल बैटल नाउ. सो उस वक्त शी वाज ऑल अलोन एंड आई वॉज ऑल्सो क्वाइट इमोशनल, और मेरी लाइफ में ये सब चल रहा था. शी केम टू अस फॉर हेल्प. सो मुझे लगता है जब एक इंसान खुद दुखों से गुजर रहा होता है तो उसको दूसरा भी दुखी नजर आता है, और उसे वो नजर नहीं आता कि उसके पीछे कुछ एम तो नहीं है. तो व्हेन शी केम शी सेड कि मैं उमरा करने जा रही हूँ, सो जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस. सो वी सेड कि यू नीड सम अबायाज, सम यू नो दैट वो जो मुस्लिम्स जो पहनते हैं ऐसे इतना टू कवर अप देयर हेयर एंड हेड. So we purchased 2-3 for her and she wore it in Umrah. Umrah mein jaake wapis aayi, she was very nice. She got us holy water, wo aabe zamzam bolte hain, wo le kar aayi. And it was all nice. So fir usne kaha ki jaise sare मीडिया मुझे आजकल जो कैप्चर करेगी, तो क्योंकि मैं मुस्लिम हो गई हूँ तो आई हैव टू वेयर बुरका. सो आई वॉज लिटिल सरप्राइज, बट देखो कब किसका मन अंदर से बदल जाए हम नहीं बोल सकते जी, कि कब कोई साधु अगर पाप करने लग जाए या कोई पापी इंसान साधु बन जाए हमें नहीं पता होता. सो बट यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू हैव ट्रस्ट. तो मुझे लगा नहीं सुधर गई लगता है. सो आई कॉन्टेक्टेड फ्यू ब्रांड्स जिनकी एक अभाया ब्रांड है, तो वी सेड कि हम अबाया चाहिए हमें. सो दे सेड रोज़िन तुम तो पहनती नहीं हो, तो ये किसके लिए चाहिए? सो आई सेड ये राखी के लिए अबाया, उसको चाहिए, शी वॉन्ट्स टू वेयर. सो दे गॉट हर अ वेरी नाइस टर्किश स्टाइल एक्सक्लूसिव वन. वो उसको एक गिफ्ट कर दिया. दे सेड कि हम उसको गिफ्ट में देना चाहेंगे सिंस शी हैज़ डन उमरा. सो वो उसको गिफ्ट में दे दिया. शी वोर इट एंड उसने उसके बाद फिर से उसने कहा कि मुझे तो हर बार जब मैं मीडिया में जाऊंगी मुझे बुरखा चाहिए, मुझे अबाया पहनना ही है बिकॉज आई एम मुस्लिम नाउ. सो अब रोज तो कोई उसे गिफ्ट नहीं दे सकता, दैट वाज फॉर श्योर. और जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ये हायर करते हैं समटाइम्स मांग के लेते हैं, शूट करते हैं, रिटर्न कर देते हैं. दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस. ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर बार खरीद के नहीं पहनते कपड़े. सो मैंने सोचा कि मैं इसको उस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है तो करा देते हैं. एंड आई हैड नो बेनिफिट फ्रॉम हर. मुझे उससे कोई मतलब कोई एक किसी चीज़ का कोई मुझे फ़ायदा नहीं दिखना था, बिकॉज मुझे लगा हेल्प करने के हिसाब से मैंने उसकी हेल्प करना चाहिए. सो उसने अपनी चॉइस बताई कि मुझे ये चाहिए. किस वहाँ जाकर वीडियो कॉल लगाया किसी ने मेरे बिहाफ पे जाके. सो शी सेड मुझे ये सब अरेंज करा दो. सो ब्रांड ने कहा कि ये तो थोड़ा सा राखी की इमेज ऐसी है. तो मैंने कहा नहीं दे देगी वो जैसी वो दिखती है मीडिया में शायद वो उसकी वैसी इमेज है. हमारे साथ तो बहुत अच्छी, शी इज़ नाइस, वेरी वेरी स्वीट. सो वो जैसे ही उसको अबाया दूसरे आए जो कॉलेज में आए थे उसको फोटो खींच के या एक रील डाल के
सिर्फ ब्रांड को टैग करना था और वो अबायास रिटर्न करने थे. दिस वॉज द डील. सो शी अग्रीड ऑन दैट. शी सेड कि मैं जो वो ऊपर कुछ होता है वो नहीं दूंगी, कुछ नेट वेट होती है वो नहीं दूंगी, बाकी मैं अबाया वापस कर दूंगी. शी टुक दोज 2-3 अबायास और सडनली डिसअपियर्ड. और मीडिया में उसकी शायद वो मीटिंग्स सडनली बंद हो गई थी. वो जो एक उसने एक पुश लिया था कि बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ दिख रही थी मीडिया में और सडनली वो डिसअपेयर वहाँ से भी हो गई और फ़ोन उठाना बंद किया, किसी के टच में नहीं आ रही थी. सो आई टोल्ड माई सिस्टर कि उसे कोऑर्डिनेट करके देखो कि वो क्या करना चाहती है. तो शी स्टार्टेड सेंडिंग वॉइस नोट्स एंड शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग के तुम लोगों को और ये ब्रांड को सबको मैं बदनाम कर दूंगी, मीडिया में जाऊंगी, बोलूंगी कि मुझे क्लोथ्स दिए और वापस मांग रहे हो. सो दिस वॉज द डील कि आपने पहन के वापस करना है. इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और हमारी लाइफ में ये कोई नई बात नहीं है. वी ऑलवेज डू दिस कि वापस कर देते हैं. बट वो आई थिंक इट्स बीन 3-4 मंथ्स एंड शी इज़ नॉट येट रिटर्न नहीं किया उसने and she is not replying. Sab taraf se block karke gayab ho gayi. Oh, so this was the case. Haan, so this was the whole incident. So this was very unfortunate ki aapki industry mein aise log hain jo brands ko cheat karke bhag jate hain. In fact, brand said ke kya karna hai ab. So I said main compensate kar deti hun. Then I paid them. It's not about money. Or it's not about how big or a small amount it was. It was about commitment. Or so, अब मुझे पता चला कि वो commitment की पक्की नहीं है और किसी चीज़ की पक्की नहीं है. In fact, उसको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि मैं किस वक्त इस बंदी के साथ ऐसा कर रही हूँ. And she started sending those voice notes, जिसको देख के मुझे लगा कि I can always reply. And I can always go to media and tell them कि ये ऐसी ऐसी इस वक्त ये ऐसा कर रही है जी. बट मुझे लगा कि नहीं, इसका बुरका पहले पूरा उतार के फेंक देने दो, पूरी जो असलियत आ जाने दो, उसके बाद में इसके बारे में कभी बात करूँगी कभी ना कभी. सो दैट्स वाई I'm talking about it today. Yeah, I heard some stories, so I thought that better I'll ask you because you know the what is the entire story और हम तो जो rumors थे वो सब पता चले थे. हाँ नहीं वो तो वो सही था. She disappeared. Okay. और वो अभी तक कहाँ है मुझे नहीं पता. Okay, okay. So कपड़े भी उन्हीं के साथ हैं. हाँ उसने रख लिया. I think वो वापस नहीं करेगी कभी भी. In fact उसके useless है, उसके काम के भी नहीं है. But still I don't know what she did with that. Roslyn, how do you see the today's trend like social media and especially the paps? जो आपने बोला कि अगर मैं राखी की बात से मुझे ध्यान आया कि मीडिया में जाना है और रोज इस तरह से करना है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस लाइक सोशल मीडिया जो एक नया ट्रेंड चला है और इन्फ्लुएंसर्स जो आप खुद आई मीन एक अच्छी चीज है. एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जॉब बहुत अच्छे से मिल रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है पैसा कमाने का. इट्स नॉट दैट कि आपको बहुत कुछ करना है. बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस द पैप्स एंड सोशल मीडिया. पैप्स का एक्चुअली दिस इज़ आई डोंट नो, पर जहाँ से मैंने सुना है कि ये सब पेड है. आई मीन जो जो इंस्टाग्राम पे कुछ 3-4 अकाउंट्स मैं देखती हूँ, टिपिकली उन्हीं के नाम देखती हूँ जो कुछ मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और हर न्यूज़ उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू स्प्रेड करते हैं और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वायरल होती हैं. जी सो आई नो दीज 3-4 चैनल्स. तो दे आर मोस्टली पेड फॉर थोड़े नीचे के एक्टर्स के लिए और ऑब्वियसली जो टॉप एक्टर्स हैं उनके लिए तो ये मीडिया फ्री होगी. सो कई बार ऐसा देखा कि वो जो 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसे लोगों को भी डाल देते हैं जिन्होंने शायद कभी कुछ काम नहीं किया होगा, बिकॉज दीज आर पेड वंस. सो आज का टाइम ऐसा आ गया कि कोई भी अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे डाल के वायरल करा सकता है. सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये तो बहुत अजीब सा ट्रेंड है. कई बार मैं देखती हूँ, चलो बड़े एक्टर्स हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये एयरपोर्ट पे है तो वहाँ जाके उसको पकड़ लिया जाता है. पर ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जो एक्टर हैं नहीं, उनको अगर पैप्स ऐसे जाके फॉलो करते तो मैं सोचती हूँ कि भाई हम क्या मर गए जो आप इनको फॉलो कर रहे हो. इनसे तो हम बड़ी न्यूज़ लेके बैठे हैं जी.
तो मतलब हंसी आती है कई बार ऐसे जिनको आप हार्डली जानते हो, जिन्होंने शायद कुछ एकाध फोटो शूट किया होगा, मगर ये तीन चार प्लेटफॉर्म आपको वायरल करने के लिए बहुत, यू हैव सम मनी, यू हैव टू पे देम एंड दे विल पोस्ट योर स्टोरी, दैट्स व्हाट इट इज. पर जैसे अच्छे चैनल्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब, दे ऑलवेज चेक योर प्रोफाइल, दे ऑलवेज चेक के आपका प्रोफाइल क्या है. बट ये सोशल मीडिया पे कोई भी छपता है, यू हैव टू जस्ट पे. वेल रजनी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की और आपकी स्टोरी सुनकर, काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है आपकी. और जिस तरह से आपने डिसीजन लेके फील्ड चेंज किया और फिर आप वापस नहीं गई, वो भी एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, मेरे लिए भी. सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.